आखिर राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को क्यों नहीं दिया तलाक। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते काफी जटिल और उलझे हुए रहे। शादी के 10 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। काका का घर छोड़ने के बाद डिंपल फिल्मों में बिजी हो गई। जल्द ही उनका सनी देओल के साथ रोमांस भी शुरू हो गया और अगले 10 सालों तक सनी और डिंपल का एक्स्ट्रा मैरिटल रोमांस चलता रहा। डिंपल के इन कारनामों के बावजूद काका ने उनसे तलाक नहीं लिया, जिसकी वजह से उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही टीना मुन्निल ने उनका साथ छोड़ दिया। आखिर क्या वजह थी कि डिंपल और सनी देओल के लिव इन रिलेशन के बावजूद काका ने डिंपल को तलाक देने से इनकार कर दिया, जबकि डिंपल कई बार तलाक के पेपर काका के घर भिजवा चुकी थी। राजेश खन्ना डिंपल के फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे, जबकि डिंपल अपने फिल्मी करियर को लेकर काफी संजीदा थी, लेकिन काका की जिद के कारण उन्हें मायूस होकर घर गृहस्थी में ध्यान लगाना पड़ा। डिंपल और काका के बीच इस बात को लेकर मनमुटाव तो पहले से चल ही रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच टीना मुन्निल की एंट्री हुई, मामला गंभीर हो गया। काका और टीना मुन्निल फिल्म सौतन की शूटिंग के दौरान काफी करीब आ गए। फिल्म को लेकर टीना ने काका के घर आना जाना भी शुरू कर दिया। डिंपल और टीना दोनों ही गुजरात से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई। असली खेल तब शुरू हुआ जब सौतन की शूटिंग के लिए फिल्म की यूनिट मॉरीशस जाने की तैयारी करने लगी। डिंपल ने भी काका के साथ वहां जाने की जिद पकड़ ली और आखिरकार काका मान गए। शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और टीना मुन्निल के बीच डिंपल की मौजूदगी के बावजूद रोमांस के अंकुर फूटने लगे। दोनों की निकटता जब डिंपल के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो एक दिन उन्होंने अचानक बिना किसी को बताए मुंबई की फ्लाइट पकड़ ली और फिर डिंपल कभी काका के घर यानी आशीर्वाद वापस नहीं लौटी। डिंपल का कांटा निकलते ही खन्ना और टीना मुन्निल का रास्ता साफ हो गया और जब वो मुंबई वापस लौटे तो उनसे पहले उनके रोमांस की खबरें फिल्मी सर्कल में पहुँच चुकी थी। खन्ना टीना मुन्निल के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे। डिंपल ने रमेश सिप्पी की फिल्म सागर से अपनी नई पारी शुरू कर दी। मंजिल मंजिल के दौरान डिंपल को सनी देओल के रूप में नई मंजिल नजर आई, तो उन्होंने काका को तलाक का नोटिस भेज दिया, लेकिन काका ने इस नोटिस को रिसीव करने से ही इनकार दिया। ये बात जब टीना मुन्निल को पता चली तो दोनों के बीच काफी झगड़े भी हुए और उन्होंने काका का घर छोड़ दिया। इसके साथ ही दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए। दरअसल काका की असली कमजोरी थी उनकी दोनों बेटियां रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। उन्हें डर था कि तलाक के बाद वो दोनों बेटियों पर अपना अधिकार खो देंगे, जो उन्हें मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि काका आधी आधी रात को अपने बच्चों की एक झलक देखने डिंपल के घर के आसपास वंडराया करते थे, लेकिन डिंपल अपने दोनों बच्चों को सख्त पहरे में रखती थी। बच्चों को लेकर काका की इसी दीवानगी ने सनी देओल से रिश्ते खत्म होने के बाद डिंपल के दिल में काका को लेकर इज्जत बढ़ाने में अहम रोल अदा किया। बावजूद इसके काका ने अपने घर में डिंपल की वापसी को लेकर कोई कोशिश नहीं की। हालांकि दोनों ने जय जय शिव शंकर में एक साथ काम भी किया और लोकसभा चुनाव के दौरान डिंपल ने काका के लिए चुनाव प्रचार भी किया। दोनों की इस बढ़ती निकटता से सबको लगने लगा था कि शायद दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन काका ने अपनी चाहत के बावजूद सनी देओल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर डिंपल को कभी माफ नहीं किया। जीवन के आखिरी दिनों में जब डिंपल ने काका के घर आना जाना शुरू किया तो लोगों को लगा कि शायद इस बार बात बन जाए, लेकिन अपनी फौलादी जिद के साथ काका ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। काका की मौत के बाद डिंपल घंटों काका की लाश के साथ लिपट कर रोती रही थी। डिंपल के ये आंसू पश्चाताप के थे या कुछ और, ये कहना वाकई मुश्किल है।